अग्नि शास्त्रों में एक महत्वपूर्ण तत्व है और इसे धार्मिक, आध्यात्मिक, आयुर्वेदिक, वैज्ञानिक और यज्ञों में महत्वपूर्ण रूप से स्थान दिया गया है। यह एक प्रकाश स्रोत के रूप में भी देखा जाता है और सभी शास्त्रों में उसके महत्व की प्रशंसा की गई है। धार्मिक दृष्टिकोण से अग्नि हिंदू धर्म में पूजा, यज्ञ, हवन और अनुष्ठानों का महत्वपूर्ण अंग है। अग्नि को देवताओं का प्रतीक माना जाता है और यज्ञों में उसका प्रयोग होता है ताकि धार्मिक और आध्यात्मिक आराधना की संपूर्णता बनी रहे। अग्नि को पवित्र माना जाता है और इसे प्रतिदिन पूजा जाता है। अग्नि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी इस प्रकार है। एक, वशिष्ठ स्मृति के अनुसार अग्नि को कभी मुख से नहीं फूंकना चाहिए। दो, मनुस्मृति के अनुसार आग को चारपाई आदि के नीचे न रखे, उसे लांगे नहीं और उसकी ओर पैर भी न करे। तीन, महाभारत के अनुसार पीठ की ओर से अग्नि का सेवन नहीं करना चाहिए। चार, स्कंद पुराण के अनुसार पैरों को आग पर नहीं तपाना चाहिए। पाँच, वृद्ध गौतम स्मृति के अनुसार जो मनुष्य कुत्ते या चांडाल से छू गया हो उसे अग्नि में अपना अंग सदा शुद्ध होकर ही तापनाथ स्पर्श करना चाहिए। शरीर में मल या मूत्र की इच्छा होने पर भी अग्नि का स्पर्श नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब तक मनुष्य में मल मूत्र का वेग रहता है तब तक वह अशुद्ध रहता है। छह, स्कंद पुराण के अनुसार अग्नि में कोई अपवित्र वस्तु नहीं डालनी चाहिए। सात, कूर्म पुराण के अनुसार आग में आग न डाले तथा उसे पानी डालकर न बुझाए। आठ, मार्कंडेय पुराण के अनुसार जल और अग्नि को एक साथ एक हाथ में जल और दूसरे हाथ में अग्नि नहीं लेना चाहिए। नौ, कूर्म पुराण के अनुसार मुंह से फूंक कर अग्नि को प्रज्वलित नहीं करना चाहिए, परंतु अग्निहोत्र के समय अग्नि को मुंह से फूंक कर प्रज्वलित करना चाहिए, क्योंकि मुख से ही अग्नि का प्राकट्य हुआ है। 10. देवी भागवत के अनुसार होम के समय कपड़े के द्वारा अग्नि को हवा करने से रोग, सूपा से हवा करने से धन का नाश तथा हाथ से हवा करने से आयु नष्ट होती है। 11. तात्यायन स्मृति के अनुसार मुख की हवा से अग्नि को प्रज्वलित करने से कार्य सिद्धि होती है, अतः मुंह से अग्नि को फूंक कर प्रज्वलित करने का निषेध लौकिक अग्नि के लिए है, होम की अग्नि के लिए नहीं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम प्रेरित बने रहें। जय श्री राम।